हाय फ्रेंड, वेलकम टू स्काई एजुकेशन। मैं प्रियंका। स्काई एजुकेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट फरवरी मंथ का करंट अफेयर लाया है फ्रेंड। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं PDF प्राप्त करने के लिए तो लिंक दिया हुआ है फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है फ्रेंड ये, तो आप इस नंबर पे ज्वाइन मी लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको तुरंत ऐड कर लिया जाएगा फ्रेंड। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आम बजट 2020-21 के तहत कितनी वार्षिक आय तक इनकम टैक्स माफ़ कर दिया गया? 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख या 5 लाख? इसका आंसर है 5 लाख। 5 लाख तक इनकम टैक्स माफ़ कर दिया गया है। सीतारमण, वित्त मंत्री सीतारमण के अनुसार 5 से 7.5 लाख पर 10%, 10 से 12.5 लाख पर 20% टैक्स निर्धारित किया गया है, जिसमें से कर व्यवस्था वैकल्पिक होगी फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाने की घोषणा की गई? 2022, 2023, 2024 या 2025? इसका आंसर है 2025। 2025 तक टीबी को मुक्त करने की घोषणा की गई है और यह अभियान टीबी हारेगा देश जीतेगा के नाम से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए किस अमेरिकी महिला ने ग्रैमी पुरस्कार जीता? ए मिशेल ओबामा, ओप्रा विनफ्रे, मालिया अन ओबामा, साशा ओबामा। मिशेल ओबामा, आंसर इसका मिशेल ओबामा। इनको अपने संस्मरण बिकमिंग, किसके लिए? बिकमिंग के लिए ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन का मेंस डबल खिताब निम्न में से किसने जीत लिया? राजीव राम और जाय सलिसबरी, मैक्स पुरकेल और लुक सेविले, रॉवेल कियासेन और जॉन पियर्स, मार्सेलो मेलो और राजीव राम। इसका आंसर है राजीव राम और जाय सलिसबरी। इन्होंने 6-4 और 6-2 से मैक्स पुरले और लुक सेविले को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन का मेंस डबल खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अमेरिका के लिए ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाली 18वीं खिलाड़ी बनी? सोफिया कैनिन, एलिना स्वीटोलिया, एलिसन रिस्के, मेडिसन कीस। इसका आंसर है सोफिया कैनिन। इन्होंने मुगुर्जा को हराया और सेरेना को पीछे छोड़कर यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन फ्रेंड, यह सितंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक का PDF है फ्रेंड, और ये करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल है और इसका प्राइस बहुत ही कम है फ्रेंड। अगर कोई भी इच्छुक हो तो ये करंट अफेयर आप बाय कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से या फिर यूट्यूब में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा फ्रेंड। आप दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड, निम्न में से किन्होंने अंतरिक्ष में ज़्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड बना लिया है? क्रिस्टीना कोच, मैरी जानी क्लार्क, पेग विट्सन, निक होगुए। तो उसका आंसर है फ्रेंड क्रिस्टीना कोच। ये 40 वर्ष की हैं, ये अंतरिक्ष में ज़्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। अंतरिक्ष में ये 289 दिन इन्होंने बिताए हैं और सबसे लंबे समय तक सिंगल स्पेस फ्लाइट का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन, क्वीन ऑफ सस्पेंस की लेखक इनमें से कौन है? मैरी हिगिन्स क्लार्क, ओलाफर बुर्के, एरी पेरी, पेट्रिशिया कॉर्नवेल। तो उसका आंसर है मैरी हिगिन्स क्लार्क जो है क्वीन ऑफ सस्पेंस की लेखिका हैं और ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला बुक है, ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बुक है और ये 92 वर्ष की
उम्र में इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस युवा ओलंपिक चैंपियन ने हाल ही में क्वीन ऑफ जर्क में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 72वीं पुरुष और 35वीं महिला सीनियर भारोत्तोलक चैंपियनशिप में पुरुष 67 किग्रा वर्ग का खिताब जीत लिया? जेरेमी लालरिंगनुंगा, नीरज चोपड़ा, महुलियो घोष, मनु भाकर। तो फ्रेंड इसका आंसर है जेरेमी लालरिंगनुंगा। ये मिजोरम के रहने वाले हैं, ये दो बार फेल भी हो चुके हैं फ्रेंड, और 132 किग्रा वजन उठाने वाले, 132 किग्रा वजन उठाया लेकिन क्वीन जर्क में ज़्यादा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 167 किग्रा वजन से 299 किग्रा वजन के साथ खिताब जीता। 299 किग्रा वजन के हिसाब से खिताब जीत लिया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा देश में भारत के किस व्यक्ति को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? संजय वर्मा, सुमेश सत्यागी, अजय बिसारिया, संजय माथुर। इसका आंसर है अजय बिसारिया। अजय बिसारिया 1987 के बैच के ISF अधिकारी थे और इन्हें पाकिस्तान में भारत के इनको ये पाकिस्तान में भी कार्य कर चुके हैं पाकिस्तान में भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइए अंजर सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियन के कितने किलो वर्ग में भारत की मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है? 49 किलो वर्ग, 55 किलो वर्ग, 59 किलो वर्ग, 65 किलो वर्ग। उसका आंसर है 49 किलो वर्ग। 49 किलो वर्ग में इन्होंने 203 किलो वर्ग उठाकर अपना पुराना नेशनल रिकॉर्ड बेहतर किया है सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास संप्रीति 9 की शुरुआत किस राज्य में की गई है? केरल, गुजरात, मेघालय या ये रॉन्ग हो गया फ्रेंड, तो इन तीन में से ऑप्शन में से देना आंसर आपको। इसका आंसर है मेघालय। मेघालय में ये संयुक्त अभ्यास किया गया है संप्रीत 9 और ये द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, ग्लोबल एडवाइजरी फॉर्म डफ एंड फेल्प्स के द्वारा जारी ब्रांड वैल्यू की लिस्ट में कौन लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रहे हैं? अक्षय कुमार, विराट कोहली, सलमान खान, दीपिका पादुकोण। उसका आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली 39% बढ़कर 1691 करोड़ इनका पहुंच गया है। अब सेकंड पे अक्षय कुमार है जिन्होंने 744 ब्रांड वैल्यू के साथ हैं। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को विश्व धरोहर शहर की औपचारिक प्रमाण पत्र सौंप दिया? दिल्ली, मुंबई, जयपुर या कोलकाता? तो उसका आंसर है जयपुर। जयपुर यहाँ के लोगों को सांस्कृतिक और विरासत के संरक्षण के लिए अमूल्य बहुत मतलब यहाँ के लोगों ने बहुत अमूल्य प्रयास किए हैं और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइए आप। 14 क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से देश में पहली मौत होने पर कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित कर दिया है? गुजरात सरकार, पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार या फिर केरल सरकार? तो उसका आंसर है केरल सरकार। इन्होंने फर्स्ट टाइम पे आते ही कोरोना वायरस के आपदा घोषित कर दिया था फ्रेंड, और थर्ड केस भी यहीं से आया है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा IP सूचकांक में भारत गिरकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 40वें,
50वें, 60वें या 80वें? तो इसका आंसर है 40वें। पिछले साल ये 50 देशों की सूची में भारत 36वें स्थान पे था और 2018 में ये 44वें स्थान पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। भारतीय रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है? मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई या फिर कोलकाता? तो उसका आंसर है भुवनेश्वर। यहाँ पर प्रतिदिन 500 केजी ई कचरे का निपटारा किया जाता है, जिसमें 1.79 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुमन वर्मा, सानिया मिर्जा, दीपा मलिक, करणा मल्लेला। इसका आंसर है दीपा मलिक। दीपा मलिक को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इसके पहले अध्यक्ष गुरुशरण सिंह थे और इनको दीपा मलिक को अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महिला सुरक्षा को लेकर किस राज्य सरकार ने राज्य में देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन खोला? ए केरल, गुजरात, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश? तो उसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ही दिशा पोर्टल लॉन्च किया फ्रेंड, महिला पुलिस स्टेशन, जिसमें 18 दिशा महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है और इसके उद्घाटन यहाँ के सीएम जगमोहन रेड्डी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, निम्न में से कितने वार्षिक काम्या कार्तिकेयन माउंट एकांगुआ को फतह करने वाली दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही बन गई हैं? 12 वर्षीय, 15 वर्षीय, 18 वर्षीय या फिर 22 वर्षीय? तो इसका आंसर है फ्रेंड 12 वर्षीय। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एकांगुआ में इंडिया का झंडा लहराया है और वो भी 6,962 किमी की ऊंचाई पर, और ये अर्जेंटीना में है। 20 क्वेश्चन हमारा, ऑस्कर अवार्ड 2020 में किस फिल्म ने बेस्ट फीचर का अवार्ड जीता? जोकर, जूडी, पैरासाइड, टॉय स्टोरी 3? तो इसका आंसर है पैरासाइड। पैरासाइड एक ऐसा गैर अंग्रेजी फिल्म बन गया है जिसने बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष एजेंसी नासा और किसने सोलर ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया है? इसरो, डीआरडीओ, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, स्पेस एक्सेस? तो इसका आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और यह ऑर्बिट सूर्य के उत्तरी और ध्रुव की पहली तस्वीर खींचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली चुनाव 2020 में किस पार्टी ने लगातार दूसरी बार बहुमत हासिल करते हुए जीत दर्ज की है? आम आदमी पार्टी यानी आप, भाजपा, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी? तो उसका आंसर है आम आदमी पार्टी यानी आप। इन्होंने 70 में से 62 सीटों पर बहुमत हासिल करते हुए जीत हासिल की है फ्रेंड। 23 हमारा क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी को FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? रानी रामपाल, लालरेम सियामी, गुरजीत कौर, नमिता टोप्पो? तो उसका आंसर है फ्रेंड लालरेम सियामी। उसका आंसर है लालरेम सियामी। इनको स्टार ऑफ द ईयर 2019 से, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 से अवार्ड से
सम्मानित किया गया है और ये अमेरिका के ओलंपिक क्वालिफायर में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए इनको अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, भारतीय पुरुष टीम के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में वर्ष 2019 का उभरता हुआ हॉकी खिलाड़ी चुना गया है? कृष्ण पाठक, सुमित नंगाल, विवेक सागर, संजय वर्मा। तो इसका आंसर है विवेक सागर। विवेक सागर को ही उभरते हुए हॉकी खिलाड़ी चुना गया है। और इसके साथ ही मनप्रीत सिंह, इसके साथ मनप्रीत सिंह और लालरे को FIH ने नॉमिनेट किया है। 24 क्वेश्चन है हमारा। 25, विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को नेशनल स्क्रू चैंपियनशिप में हराकर किस खिलाड़ी ने नेशनल स्क्रू स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीत लिया? संजय वर्मा, आदित्य मेहता, संदीप वर्मा, सोमेश नांगल। तो आंसर है फ्रेंड इसका आदित्य मेहता। आदित्य मेहता को ही नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26, इनमें से किस राज्य सरकार ने CFL और फिलामेंट बल्ब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? दिल्ली सरकार, उत्तराखंड, केरल सरकार या पंजाब सरकार? तो उसका आंसर है केरल सरकार। केरल ने CFL और फिलामेंट बल्ब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। 27 क्वेश्चन हमारा, UNEP के 13वीं माइग्रेटरी स्पीसीज कॉन्फ्रेंस का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय अभिनेता को बनाया गया है? अक्षय कुमार, रणदीप हुड्डा, अजय देवगन, आमिर खान। तो उसका आंसर है रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा को अम्बेसडर 13वीं माइग्रेटरी स्पीसीज कॉन्फ्रेंस का ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया गया है और यह कॉन्फ्रेंस गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29, भारत और किस देश के बीच हाल ही में संयुक्त सेना अभ्यास अजय वॉरियर का आयोजन करने की घोषणा की है? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका। तो इसका आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड इंग्लैंड में ये इसकी सैन्य अभ्यास की घोषणा की गई है। इस संयुक्त अभ्यास में 120 सैनिक हिस्सा लेंगे और इसका आयोजन सेलिसबरी प्लेन्स में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो इसका COVID-19, डोमिड-19, जोसाइड-19, गोकाइड-19। तो इसका आंसर है COVID-19। इसके विभिन्न कारणों की वजह से, बीमारी के कारणों की वजह से इसका नाम COVID-19 रखा गया है। 30 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी भवन, अरुण जेटली भवन, सुषमा स्वराज भवन, महात्मा गांधी भवन। तो फ्रेंड इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर है सुषमा स्वराज भवन। और राजनायिका को प्रशिक्षण देने वाले विदेश सेवा संस्थान को भी यही नाम दिया गया है। 31 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला देश केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है दिल्ली, कोलकाता, पुदुचेरी, चेन्नई। तो इसका आंसर है पुदुचेरी। पुदुचेरी ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो फर्स्ट CCA प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसके अलावा केरल, पंजाब, राजस्थान,
पश्चिम बंगाल और एमपी में सीसीए प्रस्ताव पारित हो चुका है, सीसीए के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुका है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारतीय रिजर्व बैंक ने जल्द ही कितने रुपए का नोट जारी करने की घोषणा की है? 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 70 रुपए। तो इसका आंसर है क, 1 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? मनप्रीत सिंह, सूरज करकेरा, रुपिंदर सिंह पाल, गुरिंदर सिंह। तो फ्रेंड इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। वे इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। ये फर्स्ट भारतीय हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा 35.2% वोट प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34, बॉक्सिंग टास्क फोर्स द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग के मुताबिक भारत की अमित पंघल ओलंपिक क्वालिफायर से पहले दुनिया के कौन से मुक्केबाज बन गए हैं? 1, 2, 3, 5। तो उसका आंसर है 1। बॉक्सिंग टास्क फोर्स के मुताबिक ये 1 बन गए हैं और भारत के ये 420 अंकों के साथ 32 किलो वर्ग में पहला स्थान हासिल किए हैं। 420 अंक में 52 केजी वर्ग में पहला स्थान हासिल किया इन्होंने। 35 क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या है? वोमेन इन साइंस, इंडिया इन स्पेस, इनकरेज यंग साइंटिस्ट, वोमेन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड इसका आंसर है वोमेन इन साइंस, इसका थीम है फ्रेंड। ये स्टार्ट 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इसी दिन डिस्कवरी ऑफ रमन के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड। और ये फर्स्ट बार 1999 में स्टार्ट किया गया था फ्रेंड। ये है आपके सी वी रमन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली इंस्टाग्राम पर कितने करोड़ फॉलोवर्स हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। तो आंसर है घ, 5 करोड़। 5 करोड़ इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं विराट कोहली। और दूसरे स्थान पर आपके प्रियंका चोपड़ा हैं जो 4.99 करोड़ फॉलोअर्स हैं। अब फर्स्ट पे आए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 20.3 करोड़ फॉलोअर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, फॉर्मूला वन चैंपियन लुइस हैमिल्टन और किस फुटबॉलर को संयुक्त रूप से लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? लियोने मेसी, सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पेले। तो इसका आंसर है लियोना मेसी। आईने 6 बार के फॉर्मूला वन चैंपियन लुइस हैमिल्टन और अर्जेंटीना के, इनको 6 बार मिल चुका है फ्रेंड। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोना मेसी को संयुक्त रूप से लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और यह जर्मनी के बर्लिन में आयोजित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 है, भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में ब्रिटेन और किस देश को पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर आ गया है? चीन, अमेरिका, जापान या फिर फ्रांस? तो इसका आंसर है घ, फ्रांस। भारत की जीडीपी पिछले वर्ष 2.94 लाख करोड़ थी फ्रेंड। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 है, इथनोलॉज के अनुसार निम्न इनमें से कौन सी भाषा दुनिया में तीसरे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है? अंग्रेजी, हिंदी, सॉरी उर्दू, हिंदी या फिर पंजाबी? तो उसका आंसर है ग, हिंदी। हिंदी इथनोलॉजी के अनुसार हिंदी भाषा दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाने वाली भाषा है। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण ने बताया है कि विश्व की 20 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 6 भारतीय भाषा, 6 इंडियन भाषाएं हैं जो पूरे विश्व में 61.5 करोड़ लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। 40 क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में काम के लिहाज से इस वर्ष की टॉप 20 कंपनियों में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी को जगह मिली है? विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नासा? तो इसका आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा को इस सूची में कार्यस्थल के माहौल पर नज़र रखने वाली वैश्विक संस्था ग्रेट स्पेस टू वर्क ने इसका डाटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, वैज्ञानिकों ने खोजी गई घेंगे की एक प्रजाति नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा, ग्रेटा थनबर्ग, अब्दुल कलाम? तो उसका आंसर है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर ही घेगा की नई प्रजाति का नाम रखा गया है और इसका नाम है क्रेस्पेडो ट्रॉपिस। ग्रेटा थनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 है, मिताली राज को पीछे छोड़कर कौन से ज़्यादा महिला T20 विश्व कप खेलने वाली खिलाड़ी बन गई? पूनम यादव, दीप्ति वर्मा, वेदा कृष्णमूर्ति, हरमनप्रीत कौर? तो फ्रेंड इसका आंसर है घ, हरमनप्रीत कौर। और ये T20 विश्व कप खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं और ये 7वां T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेल रही हैं, जबकि मिताली राज ने छः टी ट्वेंटी कप खेले थे और इन्होंने 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 है, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप भारतीय महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक ने 65 किग्रा वर्ग में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, प्लैटिनम मेडल? तो उसका आंसर है सिल्वर मेडल। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप भारतीय महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक ने 65 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है, जबकि विनेश ने तिरपन वर्ग में, गुरशनप्रीत कौर ने 72 किग्रा वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 44 है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को वर्ष 2011 वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट के लिए लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग? तो उसका आंसर फ्रेंड सचिन तेंदुलकर को 2011 वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट के लिए लॉरेंस स्पोर्ट मोमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है या चुना गया है। और कैरिड ऑन द शोल्डर ऑफ ए नेशन टाइटल दिया गया है। 45 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, अर्जेंटीना के फुटबॉलर खिलाड़ी लियोनल मेसी कितने गोल में योगदान कर देने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं?
300 गोल, 500 गोल, 800 गोल या 1000 गोल। तो इसका आंसर है घ 1000 गोल। 1000 गोल देने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने अर्जेंटीना के लिए खेलते हुए 696 गोल किए हैं, जबकि 306 असिस्ट गोल करने में योगदान किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उस कार्यक्रम का क्या नाम है? तो फ्रेंड इसका आंसर है नमस्ते ट्रंप ए। इसका आंसर है नमस्ते ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत में नमस्ते ट्रंप नाम दिया विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम उसी तर्ज पर आयोजित किया गया जैसे अमेरिका में मोदी के आगमन के लिए हाउडी हाउडी मोदी हाउडी मोदी को आयोजन किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में, कौन से स्टेडियम है फ्रेंड ये आपके एग्जाम में आ सकता है, मोटेरा स्टेडियम में 1 लाख से अधिक लोग नमस्ते ट्रंप में भाग ले रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। भारत के किस शहर की रहने वाली एडेलिन क्रिस्टेलिनो ने लीवा मिस डिवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या मैंगलोर हो गया, ये बैंगलोर है, बैंगलोर। सॉरी ये मैंगलोर ही है, मैंगलोर। भारत के मैंगलोर शहर में के रहने वाली एडलिन क्रिस्टेलिनो ने लीवा मिस डिवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता। उन्होंने पिछली खिताब वर्तिका सिंह ने ताज पहनाया है, जबकि इसी प्रतियोगिता में पुणे की नेहा जायसवाल रन अप रही। कौन? पुणे की नेहा जायसवाल रन अप रही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। वर्ष 2022 में भारत के किस शहर में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और चेन्नई। तो उसका आंसर है चंडीगढ़। आंसर इसका ग चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ही इसका आयोजन किया गया है, जिसमें जीते गए पदकों को रैंकिंग के लिए बर्किंगम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। हाल ही में कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? क फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, घ जापान। तो इसका आंसर है फ्रेंड अमेरिका। इसका आंसर है ग अमेरिका। हाल ही में अमेरिका चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, सबसे बड़ा साझेदार बन गया है। और वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018 से 19 में भारत और अमेरिका के बीच 87.95 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 है। और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर सबसे प्रदूषित शहर रहा है? क पुणे, ख गाजियाबाद, ग मसूर, घ अहमदाबाद। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें, सेंड करें। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड।